Nice. सुनाएं आसिफ भाई, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है यार। सुनाएं कैसे आना हुआ आज बड़े दिनों बाद? यार वो मैं सोच रहा था प्रॉपर्टी वाले को फोन करते हैं तो 20-25 लाख रुपए का मकान लेके ना रेंट आउट कर देते हैं, तो चलो 10-15 हज़ार रुपए आता रहेगा महीने का। अच्छा, तो चलो कोई सेविंग भी हो जाती है बंदी की। जीवन कितने पैसे हैं? 20-25-27 लाख कर रहे हो। वो अहमद भाई से प्रॉपर्टी लेना है। हाँ। सोच रहे हैं आप यार, लेकिन मैं ना वो प्रॉपर्टी के वाले से अगर आपको आज बताऊँ ना तो वो कोई स्कोप नहीं है आजकल ना उसमें। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप प्रॉपर्टी है भाई, वो पड़ी रहेगी मेरे, महीने बाद पैसे आते रहेंगे मुझे, हर महीने 15,000-20,000 रुपए आता रहेगा। और क्या चाहिए? लेकिन आपको 15-20 हज़ार से अगर मैं कहूँ ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। कितने ज्यादा? मतलब अगर आप ये 20-25 तो बहुत दूर की रह गई है, सिर्फ 6 लाख रुपए है ना, तो भाई 35,000 रुपए ले सकते हो। वो 2-4 महीने मिलेगा फिर भी? नहीं, 4 साल। 4 साल तक? हाँ, 6 लाख 35,000। ये डर गई, ये लाओ दो ना। ये आपको नहीं दूंगा, ये तो मैं उसी को दूंगा ना फिर, जिसने मुझे 6 लाख पे 35,000। ये जल्दी जल्दी चाय पियो, मैं आपको बताता हूँ फिर कहाँ से मिलेगा। चाय रहने ही देते हैं फिर चले हैं। अजय आसिफ भाई, आजे 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 भाई। और यार 8 फ्लोर चढ़ के ये हमारी मंजिल रही है, ये फ्यूचर विजन है। फ्यूचर विजन यही वो जगह है भाई जान, जहाँ से आपको 35,000 रुपया पर मंथ मिल सकता है। आओ इनके ऑफिस लेके चलता हूँ। 35,000 एक महीने का? अजीम भाई किधर चले गए? इधर 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 भाई, कब से तो कह रहा हूँ आपको, आज 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 ये देखो, ये अवैस भाई है, अवैस भाई से मिले। कैसे हैं अवैस भाई? अच्छा वैस भाई, ये भाई ना बहुत हैवी वाला बैग लेके घूम रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में थे, मैं इनको आपके पास लेके आया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कैफ़ में बैठे आप इंशाल्लाह गपशप करते हैं, आपको सारा प्लान बताते हैं, तो आप इंशाल्लाह मुतमईन हो। अजीम भाई ने कहा कि 6 लाख रुपए देंगे तो 35,000 हर महीने। सर 35,000 हर महीने देंगे हम आपको, जब अजीम भाई ने कह दिया तो आपको देंगे हम। चले सर बताए ना आपको फिर कैसे मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे 35,000 रुपए 6 लाख रुपए पे मिलता है इंशाल्लाह सर। जी बस ये है अवैस भाई, जिनका ये कहना है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो भाई इस वीडियो को अच्छी तरह गौर से देख लें और उनकी ऑफर्स को सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताइएगा जरा व्यूवर्स को कि क्या सिस्टम है आपके पास, किस तरह से लोगों को प्रॉपर्टी से बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल उसका तो स्कोप कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में देखेंगे प्रॉपर्टी, मेरा ख्याल है मिनिमम आप अगर चाहते हैं कि 20-25 हज़ार आपको रेंट आए आपके मकान का, तो कम से कम वो इस टाइम 1 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी लेंगे तो 20-25 हज़ार रेंट आएगा। ठीक है। तो जबकि वही उसी निस्बत हम लोग आपको एक बिजनेस ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ 6 लाख की एक प्रोडक्ट मेरी खरीद के मंथली बेसिस पे 35,000 रुपया ले सकते हैं, सिर्फ 6 लाख लगा के। यानी अगर आप 20-25 लाख का वो मकान खरीदें तब भी आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने आप 6 लाख। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ एंड सिक्योर आपका बिजनेस प्लान है, ठीक है, उसके साथ कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड कंपनी है, हर तरफ से मामला ओके है, तो फिर बेहतर है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं हर तरफ से प्रोग्राम ओके, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही है ना मेरे व्यूअर्स को आ रही होगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो। बिल्कुल समझाते हैं। असल में बेसिकली अजीम भाई हमारा बिजनेस है SMD स्क्रीन, तकरीबन हर बंदे ने देखी है रोड्स पे लगने वाली जो स्क्रीन होती है उन्हें SMD स्क्रीन बोला जाता है। अच्छा। हम लोग वो अपने ना क्लाइंट को SMD स्क्रीन सेल आउट कर रहे हैं 6 लाख में। 6 लाख में सेल करने के बाद में हम लोग उनके साथ ना एक रेंटल एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है। मसलन आप अभी 6 लाख लेके आए हैं, मैं आपका एग्रीमेंट करूंगा, ठीक है, आप 6 लाख की मेरे से स्क्रीन खरीदेंगे, आपके साथ 4 साल का एक हम लोग मुआवजा कर लेंगे। अच्छा। ठीक है, जिसमें आपको हर माह 35,000 रुपया हमारी तरफ से रेंट मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उस स्क्रीन को चलाना, उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, उसकी मेंटेनेंस करवाना, फॉर एवरीथिंग वो फ्यूचर वियन की जिम्मेदारी है। सिंपल सी मैं बात करता हूँ सर कि आपने बताया हर चीज आपके जिम्मे है, रोड के ऊपर लग गई है, बारिश आती है, तूफान आती है, हमारे मुल्क में तो एहतजाज होते हैं, सबसे पहले ठा मार एनु दे तोड़िए, वो टूट भी जाती है तब भी बंदे का नुकसान तो नहीं होता। नहीं नहीं, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं, हम लोगों ने ये इंश्योर करके लगाई होती है और कंपनी ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो कंपनी उसे ठीक करवाने की जिम्मेदार। यानी व्यूअर्स जिस जगह पे मैं एक और चीज ऐड करता चलूं प्रॉपर्टी के सर हवाले से, बंदे ने मकान ले लिया है, पहले बाहर बोर्ड लगाएगा किराए के लिए दस्तयाब है, 4 महीने किराए के लिए चढ़ेगा ही नहीं तो किराया भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे सर, आपसे वो जो किराए वाला सिलसिला होगा वो कैसे शुरू होगा, कब से शुरू होगा? मैं आपको इसका थोड़ा सा तफसीलन बता देता हूँ कि एग्रीमेंट जो ही आप करेंगे, मसलन आज है 12 तारीख और आज आप पेमेंट कर रहे हैं कंपनी को, आज पेमेंट करने के बाद में
आपको ठीक अगले माह की 12 तारीख को पहला किराया आपके बैंक अकाउंट में घर बैठे आपके पास पहुंच जाएगा। पहला किराया जी अगले महीने ही अकाउंट में, बिल्कुल ऐसे और टोटल 4 साल तक अकाउंट में भेजते रहेंगे। बिल्कुल इसी अच्छा तरह। बंदा सोया है, बंदा घर वालों के साथ सैर करने गया है, बंदा अपनी गाड़ी में एंजॉय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई टेंशन, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने सिर्फ एक मर्तबा आना है, स्क्रीन लगवानी है, स्क्रीन लगवाने के बाद एग्रीमेंट करने के बाद आप रिलैक्स हैं अगले 4 साल के लिए। आपको घर बैठे रेंट देना फ्यूचर वीएन कंपनी की जिम्मेदारी है। सर लोग कहेंगे कि आपने एग्रीमेंट में बातें इतनी सख्त लिख दी होंगी, भाईजान ले जाएं। सर आपको एग्रीमेंट पूरे 4 साल के अंदर जो है वो कोई सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है, 4 साल तक आप हमारे पाबंद हैं, आपका पैसा नीचे लगा हुआ है, ये वाला सिलसिला एग्रीमेंट के बारे में। अच्छा एग्रीमेंट के बारे में आप अजीम भाई बैठे हैं, आपको एग्रीमेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे उसके अंदर हम लोगों ने वाजे वाजे सी चीजें एग्रीमेंट में पढ़ा। तो खैर मैंने व्यूअर्स पिछले साल भी मैंने इनके पास आया था, वो एग्रीमेंट पढ़ा था, इसीलिए आज की इस वीडियो में आसिफ भाई को भी यहाँ पे लेके आया और आप लोगों को दोबारा से रिकमेंड करने के लिए वही सवाल मैंने रिपीट किए हैं। तो ये एग्रीमेंट जी आ चुका है। मैं थोड़ा सा आपके फॉलोअर्स को दिखाना चाहूंगा कि ये 1200 वाला एग्रीमेंट है जो कि इस टाइम पाकिस्तान के बैंक ऑफ पंजाब से ये इशू होता है एग्रीमेंट, इसके ऊपर हम लोग आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि आपको सेफ एंड सिक्योर भी तो किया जाए ना। मुकम्मल जी सेफ एंड सिक्योर काम होगा आपका, ये चीजें जो है वो ऊपर लिखी जाती है। आपने एग्रीमेंट करने से पहले सर जी ये सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी, बिल्कुल सर कोई टेंशन नहीं, कोई सब टेंशन नहीं होगी, कोई इसमें टेंशन नहीं आपकी, फिर खाली आप खुद भी पढ़े, अपने वकील से भी पढ़ा लें, बिल्कुल ऐसा ही जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ से वकला हजरात और हर तकरीबन शोभा जो है ना लोग ताल्लुक रखने वाला बंदा वाबस्ता है हमारे साथ, ठीक है, खाली फिर आपको ये एग्रीमेंट नहीं दे रहे। अच्छा। हम लोग अपने लोगों की जो जारी सी बात है जमा पूंजी है उनकी एसेट है, वो जो बंदा ऐसे गले से लगा के रखता है, बिल्कुल बचाना भी है भाई। उसे बचाने के लिए एग्रीमेंट तो हो गया, उसके साथ साथ आपको एक 6 लाख का मैं सिक्योरिटी चेक भी उसी टाइम आपको दे दूंगा। ये जी व्यूअर्स 6 लाख रुपया इसके ऊपर अमाउंट लिखी गई है और ये साथ में मिल जाएगा, ये उसी टाइम आपको मिल जाएगा। व्यूअर्स आप चेक के एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर जो है ना वो आप केस भी कर सकते हैं, ऐसा ही होता है ना, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर एक और बात की तरफ मैं आता हूँ, ये जितने भी बाहर एलईडियां लगाई जाती हैं या एसएमडी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तो एसएमडी स्क्रीन जब बाहर लगाई जाती है रोड पे उसके रोड से कई इदारों से आपका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी होता है, वरना तो आप रोड के ऊपर कोई चीज इस तरह की कर नहीं सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो किन किन इदारों से आप रजिस्टर्ड? अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर वीएन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हर उस इदारे से रजिस्टर्ड है जहाँ से एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसमें मैं कहूंगा उसके जी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं, आप उसे व्यूअर्स के सामने चला दीजिएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास मेन अदारे जो हम लोगों को अप्रूवल्स करते हैं बिजनेस को करने की इजाजत देते हैं वो FBR आ गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ गया, SCCP आ गया, PHA आ गया, PRA आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर वीएन एडवर्टाइजिंग हर उस अदारे से रजिस्टर्ड है जहां से एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को रजिस्टर्ड होना। अच्छा सर बहुत सारे लोग जो है वो हमारी बातों से बोर हो गए होंगे, उन्हें पता ही नहीं लगा होगा अभी तक हम देख रहे हैं क्या बेच रहे हैं, कौन सा मंजन बेच रहे हैं, तो सर उन दोस्तों को जरा दिखाएं कि आप बिल्कुल देते क्या जी। बिल्कुल अजीम भाई चले मैं आपको दिखाता हूँ जी। अजीम भाई तो ये वो स्क्रीन है जो आपने 6 लाख में खरीदनी है और घर बैठे आपको 4 साल तक हम लोग 35,000 रुपए इसका रेंट प्रोवाइड करेंगे, 4 साल तक गारंटी के साथ देंगे ना। बिल्कुल सर 4 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं आपके साथ, जबरदस्त हो गया। सर इसका साइज की बात करें तो क्या साइज हो गया? ये सर इसका साइज आ जाता है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट है और इसकी लेंथ जो है वो 6 फुट है, 6x3 स्क्वायर फीट इसका साइज। अच्छा कोई व्यूअर्स कह देता है कि भाईजान मुझे इस साइज की नहीं चाहिए, मुझे बड़े साइज की चाहिए। सर देखिए मेरा बेसिक साइज ये है, ये 6 लाख में है, दो खरीद लें 12 लाख इसकी कीमत हो जाएगी, रेंट उसका आपको मंथली 70,000 रुपया मिलेगा। क्या बात है, 70,000 रुपया किराया हर महीने, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल 3 खरीद लें 18 लाख की स्क्रीनें हो जाएंगी और उसका रेंट आपको 1,05,000 रुपया मिलेगा हर माह के लिए। सर कई दोस्त ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाईजान स्क्रीन तो आपने खुद ही लगाई हुई है तो खुद ही क्यों नहीं ये काम कर लेते, हमसे ही क्यों पैसे लेंगे ये खरीदने। बहुत अच्छा पॉइंट अजीम भाई आपने किया। बेसिकली देखे कोई भी कंपनी काम करती है तो उनके पास एक एसेट होना, एक ऐसा काम होना जरूरी है कि उनके पास अमाउंट इतनी हो गए वो हर जगह पे जो मिशन है जो वीएन है उसके मुताबिक काम कर सके, ठीक है। मगर हम लोगों ने किसी अदर कंपनी के साथ हाथ मिलाने के बजाय, किसी बड़े टॉप के साथ आदम लाने की बजाय हम लोगों ने आम आवाम के साथ आदम लाया, घर बैठे उन्हें भी बेनिफिट दे रहे हैं, कंपनी खुद भी अच्छा अर्न कर रही है। सर ऐसी चीजें जब भी बंदा एक वो करने जाता है ना, क्योंकि आम आदमी गरीब आदमी होता है बड़ी मुश्किल से इतने पैसे जमा करता है,
तो इन्वेस्ट करते हुए कई दफा, खरीदते हुए कई दफा वो सोचेगा कि भाई मैं यहाँ पे पैसे दूं या नहीं दूं, तो उन्हें कैसे गारंटी दिलाएंगे कि ये कोई फ्रॉड नहीं है? सर देखिए, गारंटी मैंने आपको पहले भी एग्रीमेंट दिखाया, चेक दिखाया, ये पाकिस्तान का सबसे मजबूत एग्रीमेंट हो गया, चेक हो गया। उसके अलावा कंपनी को जो जाती तौर पे वर्थ है, कंपनी पिछले 3.5-4 साल से मार्केट में वर्क कर रही है, तो ये सारी चीजें जब आपको वर्थ दिखाती है तो कंपनी ऑलरेडी इसके अंदर काफी टाइम सर्वाइव कर चुकी है और लोगों को अच्छा इस पे अपॉर्चुनिटीज रेंट प्रोवाइड करती है। जबरदस्त हो गया जी व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे और हमने ये चेकआउट भी कर ली है। आप भी मजीद तफसीलात के लिए इनके पास आ सकते हैं और ये अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हर महीने 35,000 रुपया घर बैठे आप इजीली कमा सकते हैं। सर सारी चीजें बता दी, कोई अपना एड्रेस नंबर बता दें क्या है? मोबाइल नंबर मेरा 03028924719। बंदे को किसी भी किस्म की क्वेरीज करनी हो आप हर वक्त हाजिर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, मोबाइल नंबर भी यही है, किसी टाइम भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली आगे मिलना चाहते हैं वो हमारा एड्रेस है फ्यूचर वी एन एडवर्टाइजिंग, 8th फ्लोर, अशरफी हाइट्स, मेन मार्केट, गुलबर्ग 2, लाहौर। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई लाइक भी कर दें और उन दोस्तों तक शेयर कर दें जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे लेकिन उन्हें कुछ चीज़ों क्लियर नहीं थी। एक दफ़ा उन्हें बताइएगा कि भाई इस कंपनी के पास विजिट जरूर करें और हमारा रेफरेंस भी दें, इंशाल्लाह उनको अच्छा गाइड किया जाएगा।